अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो चलिए आज हम मटन हैदराबादी बिरयानी बनाना आपको बताते हैं। ये बिरयानी बहुत अच्छी होती है, हैदराबादी बिरयानी सबको बहुत पसंद है। तो हैदराबादी बिरयानी का मज़ा घर पे कैसे लिया जाए ये आज हम आपको बताते हैं। तो जो सामान जाएगा वो ये सामान है। ये हमारा 2 किलो मटन है, ये हमारा जिंजर गार्लिक 2-3 टेबल स्पून भरकर है, ये हल्दी है 2 टीस्पून, ये हमने जाफरान को भिगो के रखा है, ये हमारी 3 प्याज है जो हमने तल ली है, गोल्डन ब्राउन करके क्रश कर ली है, ये हमारा 1/2 किलो 500 ग्राम मतलब दही है जो हमने बीट कर लिया है, ये पुदीना है, ये 2 मुट्ठी पुदीना है, ये कुछ हरी मिर्चें हैं, ये हमने 1 मुट्ठी धनिया लिया है, ये हमारा 2 टीस्पून स्याह जीरा है जो आधा हम गोश्त के मेरीनेट में डालेंगे और आधा हम पानी में डालेंगे, ये हमारे 2 टीस्पून भर के रेड चिली पाउडर है, ये हमारा होम मेड बिरयानी मसाला है 2 टीस्पून, ये हमारे बिरयानी मसाले का वीडियो यूट्यूब में हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, आप देख लीजिएगा। ये हमारी लौंग है जो आधी हम मेरीनेट गोश्त में डालेंगे और आधा हम पानी में डालेंगे, ये हमारी लौंगे हैं इसको भी हम आधी पानी में डालेंगे आधी लौंग में डालेंगे। तो चलिए गोश्त को हम मेरीनेट करते हैं। ये 2 किलो हमारा बासमती राइस है, ये हम लेमन दिखाना भूल गए थे, ये हम मेरीनेट में नींबू का जूस डालेंगे, ये नमक हमारा 2.5 टीस्पून है जो हम मेरीनेट में करेंगे, पानी में हम अलग नमक डालेंगे, ये हम जब तक हमारा गोश्त मेरीनेट होगा आधा घंटा तब तक हम ये चावल आधे घंटे के लिए भिगोएंगे, बस इस चावल को सिर्फ आधे ही घंटा भिगोइएगा। तो चलिए अपनी मेरीनेशन की तैयारी करते हैं। ये हमारा लेमन का जूस है, ये हल्दी पाउडर है, ये रेड चिली, इलायची हम 4 से 5 डालेंगे, बिरयानी मसाला, लौंग भी हम 4 से 5 डालेंगे, ये स्याह जीरा आधा डालेंगे और आधा हम जब हम चावल पानी खौलाएंगे तो हम उस वक्त ऐड करेंगे, ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है, ये हमारा दही है 500 ग्राम है हमारा दही। चलिए अब हम इसको अच्छे से मिलाते हैं और इसको हम आधा घंटा मैरिनेट करके रख देंगे, आधे घंटे के बाद फिर हम आपको दिखाएंगे। देखिए हमारे मटन को आधा घंटा हो गया है मैरिनेट किए हुए, अब हम चलिए इसको पकाते हैं। ये हमारा ऑयल हो गया, ये हमारा वही ऑयल है जिसमें हमने अपनी प्याज ब्राउन की है, चलिए हम उसमें ऐड करते हैं। ये हमारा पुदीना है, बाकी का पुदीना हम जब लेयरिंग करेंगे तब डालेंगे, हरी मिर्ची इस तरह तोड़ के ऐड कर दीजिए इसमें, आपको कितना स्पाइसी खाना है आप अपने हिसाब से हरी मिर्चें डालिएगा। पुदीने की इसमें बहुत अच्छी स्मेल आती है और टमाटर या और किसी मसाले का इसमें यूज नहीं होता है। इसको तेज आंच पर भूनना है। ये हमारी प्याज है, थोड़ी हमने रोक लिए प्याज बाद में डालने के लिए, चल हम इसको बहुत अच्छे से इसकी भुनाई करते हैं, फिर हम इसमें 2-3 सीटी ले लेंगे। देखिए हमारा गोश्त भुन गया, तेल ऊपर आ गया है, अब हम इसमें 1 सीटी लिए ले रहे हैं, बस 1 सीटी ही लेंगे, जब तक इसमें 1 सीटी आएगी हम अपना पानी चढ़ाते हैं। देखिए हमने अपना पानी चढ़ा दिया है, ये हमारे 3 तेज पत्ते हैं, ये छोटी इलायची है और लौंग है, ये हमारा स्याह जीरा है जो हमने रोक लिया था, आधा हमने गोश्त में डाला था, ये नमक है,
नमक आप टेस्ट के हिसाब से डालिएगा क्योंकि हमने गोश्त में भी नमक डाला है। ये एक टीस्पून ऑयल है। ये तेल डालने से इसमें चावल जो है वो छिटके ही छिटके अलग अलग रहते हैं। चलिए देखिए हमारे कुकर में भी सीटी आ गई, हमने गैस के फ्लेम ऑफ कर दिया है। अच्छा अब हम पानी को ढक दिए हैं। देखिए हमारा पानी खौल गया है और हम इसमें चावल ऐड कर रहे हैं। इसको 70-80% गलाना है हमको चावल। चलिए चेक करें चावल मेरे कितने हो गए हैं। देखिए बस इतना ही गलाना है हमको चावल। देखिए हमारे चावल हो गए हैं। अब हम इसको पानी से निकालते हैं। देखिए हमने पानी से निकाल लिया, अब हम लेयरिंग कर रहे हैं चावल से की। ये हमारा पुदीना है, ये धनिया है, धनिया डालेंगे, पुदीना डालेंगे, प्याज, ये अपना जाफरान हमने पानी में घोल के रखा था। इसमें खुशबू और फूड कलर कोई भी इस्तेमाल नहीं होता है हैदराबादी बिरयानी में। ये हमारा पानी है जो हमने चावल बॉईल किया था उसमें से निकाला था हमने। ये हमारा 1 कप पानी है। चलिए अब दम पे लगाते हैं इसको। इसको 5 मिनट तक तेज आंच पे लगाएंगे, फिर हम 10 मिनट से लेके 15 मिनट तक तेज धीमी आंच कर देंगे। देखिए हमारी बिरयानी को 15 मिनट हो गए हैं दम पे लगाए हुए, भाप खूब अच्छे से आ गई है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर रहे हैं। अब हम इसको 10 मिनट बाद प्लेटिंग करेंगे। देखिए हमारी बिरयानी तैयार हो गई है, अब हम प्लेट में निकाल रहे हैं। 10 मिनट हो गए हमारी बिरयानी को। हमारी मटन हैदराबादी बिरयानी पक्के तैयार हो गई है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत जल्दी बहुत कम मसाले में बनने वाली बिरयानी है। प्लीज़ आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।